देखिए मैंने क्या कर दिया, मेरा हस्त गुरुदेव पर उठ गया। ये क्या कर दिया हनुमान? यदि महादेव का क्रोध जागृत हो गया और उन्होंने अपना तृतीय नेत्र खोल दिया तो? और शिवजी के तृतीय नेत्र खोलने का अर्थ है हनुमान की मृत्यु और सृष्टि का महासंहार। मेरे प्रहार से भोले बाबा इतने क्रोधित हो जाएंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। युद्ध का परिणाम कभी कभी इतना अनर्थकारी होता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और जब उसका परिणाम सामने आता है तो तब तक बहुत विलंब हो चुका होता है। भोले बाबा मुझे जो भी दंड देंगे हनुमान को सहर्ष स्वीकार होगा। उत्तम, अति उत्तम। मेरे प्रभु को क्या हो गया? क्रोध के स्थान पर मुस्कान। अद्भुत, अद्भुत हनुमान, क्या प्रहार था तुम्हारे इसी बल को बाहर लाने के लिए मैं बार बार कह रहा था। प्रथम बार मेरे जैसे किसी योद्धा से सामना होने का आभास हुआ है मुझे। अब गर्व है मुझे अपने शिष्य हनुमान पर। प्रसन्न हुए हम तुमसे। गुरुदेव की प्रसन्नता शिष्य को शक्ति एवं ऊर्जा से भर देती है भोले बाबा। हनुमान, जो मुझे प्रसन्न कर देता है, चाहे तप से या सदाचरण से या किसी दक्षता से, वो मेरे वरदान का अधिकारी हो जाता है। ये महादेव क्या करने जा रहे हैं? मेरे शत्रु को वरदान, अर्थात मेरी पराजय या मेरी मृत्यु? नहीं नहीं, मेरे महादेव मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कहो हनुमान, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? एक नहीं, दो वरदान मांग लो। एक तो अपने पिता को अपने शौर्य प्रदर्शन से प्रसन्न करने का वर, और द्वितीय गुरु से प्राप्त शिक्षा के सदुपयोग का वर। ये तो अकल्पनीय घटना घटित हुई है। प्रचंड क्रोध की ज्वाला के स्थान पर वरदान की शीतल वर्षा। अच्छा है, अनर्थ का भय टल गया, युद्ध समाप्त हो गया। किंतु स्मरण रहे, युद्ध रोकने के अतिरिक्त कोई भी अन्य वर मांग सकते हो, क्योंकि युद्ध के लिए मैं अपने भक्त के प्रति वचनबद्ध हूं। ये क्या हो रहा है स्वामी? कभी महादेव और हनुमान के मध्य गुरु शिष्य की मर्यादा दिखाई देती, तो कभी पिता पुत्र का प्रेम, तो कभी शत्रु भाव। वरदान भी एक नहीं दो, और ये युद्ध भी नहीं रोकेंगे। प्रिय, इस समय महादेव, पिता, गुरुवर और भगवान तीनों हैं। पिता पुत्र के किसी कार्य से प्रसन्न होता है तो पुत्र को वरदान देता है, शिष्य के कार्य से प्रसन्न होने पर गुरुवर भी शिष्य को वरदान देते हैं। किंतु भगवान यदि भक्त के प्रति वचनबद्ध हैं तो वो युद्ध भी नहीं रोक सकते। मेरे समर्पण, मेरी श्रद्धा एवं मेरी भक्ति का उपहास है ये। नहीं नहीं, हनुमान को कोई अधिकार नहीं है वरदान पाने का, नहीं। हनुमान
सोच रहे हो पुत्र हनुमान? कहो क्या इच्छा है तुम्हारी? प्रभु, यदि आप सत्य में ही मुझे वरदान देना चाहते हैं तो पुष्कल को जीवित करने एवं राम काज में घायल हुए सैनिकों आदि के उपचार करने का मुझे उपाय बताइए। हनुमान, वरदान तो तुम स्वयं के लिए मांग सकते हो, फिर तुम इसे किसी अन्य के लिए व्यर्थ क्यों कर रहे हो? भोले बाबा, भक्त को यदि भगवान मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए? मेरे प्रभु श्री राम मुझे मिल गए, और जो श्री राम का हो जाता है उसकी चिंता तो स्वयं श्री राम ही करते हैं। इसलिए यदि आपके वरदान से किसी अन्य का भला हो जाए, आहत को जीवन दान मिल जाए और पिता को पुत्र मिल जाए, तभी वरदान की सार्थकता होगी। परोपकार, विनम्रता और निस्वार्थ भावना, इन्हीं गुणों ने तो तुम्हें श्रेष्ठ भक्त बनाया है हनुमान। यदि यही तुम्हारी प्रथम कामना है तो इसका उपाय साधारण ही है, जो तुम स्वयं भी जानते हो। स्मरण करो, लक्ष्मण जब शक्ति प्रहार से अचेत हुए थे, उन्हें कैसे सचेत किया था तुमने? संजीवनी बूटी। हाँ हनुमान, पुष्कल एवं सैनिक संजीवनी बूटी से सचेत हो जाएंगे, किंतु उसके लिए तुम्हें द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी लानी होगी। ये तो सब किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। धन्यवाद भोले बाबा इस मार्गदर्शन के लिए। अब द्वितीय वरदान। ये मेरे प्रति अन्याय है, आप युद्ध करते करते वरदान कैसे देने लगे? न्याय अन्याय की परिभाषा में ना ही पड़े तो उचित होगा। इतना जान ले कि ये कोई शांति समझौता नहीं है। आपके प्रति वचनबद्ध हूं मैं, युद्ध चलता रहेगा, इसलिए आप हस्तक्षेप ना करें। किंतु महादेव, आप उसे वरदान कैसे दे सकते हैं जो आपके समक्ष आपका शत्रु बनकर खड़ा है? हनुमान मेरे शत्रु नहीं है और ना ही इनकी ये राम सेना। प्रभु, बस ये प्रतिद्वंदी है इस युद्ध में, अन्य तो सभी मेरे पुत्र हैं, किंतु हनुमान मेरे पुत्र, मेरे शिष्य एवं मेरे भक्त भी हैं। तुमने मुझे भक्ति से प्रसन्न किया और हनुमान ने मुझे शक्ति से प्रसन्न किया है, और जो मुझे प्रसन्न करे उसे मुझसे वरदान पाने का अधिकार है। हनुमान, मेरी सेना महाराज वीरमणि के नियंत्रण में उनकी रक्षा के लिए रहेगी, परंतु मैं तुम्हारे लौट कर आने और इन सबको सचेत करने तक पुष्कल और अन्य सभी की रक्षा करूंगा। इस प्रकार तो सब कुछ उलट जाएगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज्ञा गुरुदेव। पुत्र हनुमान, तुम्हारी माता के दिए हुए संस्कारों ने ही तुम्हें गर्व करने योग्य बनाया है। मुझे पुत्र हनुमान पर पूर्ण विश्वास है, वो किसी को कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे, वो सबको सचेत एवं स्वस्थ कर देंगे। ये शांति कुछ ही समय के लिए है, महादेव ने पूर्णतः युद्ध नहीं रोका है। जैसे ही हनुमान सबको स्वस्थ कर देंगे, महादेव पुनः महाराज वीरमणि के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। मैंने महादेव को बुलाया और महादेव? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे बुलाने से क्या होता है? अपने पुत्र के पक्ष में खड़े हैं वो, तुम्हारी रक्षा करने आए और अब तुम्हारे विरुद्ध ही खड़े हो गए। मैंने ही उन्हें चतुराई से अपने साथ मिला लिया। अब मेरी सेना, मेरे योद्धा पुनः उठ खड़े होंगे और तुम देखते रह जाओगे। हनुमान,
मैं तुम्हें तुम्हारी चतुराई में सफल नहीं होने दूंगा। तुम जब तक लौट कर आओगे तब तक मैं तुम्हारे इन मूर्छित योद्धाओं के देह को ही मिटा दूंगा। हनुमान, मैं तुम्हारे लौट कर आने और इन सबको सचेत करने तक मेरी सेना महाराज वीरमणि के नियंत्रण में उनकी रक्षा के लिए रहेगी। नंदी, वीरभद्र, शिवगणों, मेरे प्रभु महादेव भले ही राम सेना के पक्ष में खड़े हैं, किंतु आप सभी को मेरे महादेव ने मेरे नियंत्रण में रहने का निर्देश दिया है, अतः आप सभी को मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। क्या करना चाहते हैं आप? नंदी, मैं चाहता हूं कि आप अपने खुरों से राम सेना के योद्धाओं के मूर्छित पड़े देह को छत विछत कर दें और वीरभद्र उनकी देह को इतने भागों में विभक्त कर दें कि उनमें जीवन ही शेष ना रह जाए। और आप प्रेतगणों उनकी विभाजित देहों को भक्षण कर जाए ताकि पुनः कोई जीवित ना हो, किंतु यह सब उस वानर हनुमान के लौटने से पूर्व हो जाना चाहिए। अपने अहंकार में डूबकर वीरमणि ये कैसी मूर्खता करने जा रहे हैं? आपकी मति तो स्थिर है। इन अचेत सैनिकों पर आक्रमण करने का अर्थ है अपने प्रभु से युद्ध करना, जो कदापि नहीं हो सकता। उन्हीं महादेव भगवान ने आप सभी को मेरी आज्ञा का पालन करने का निर्देश दिया है। नंदी, आपसे अवश्य सुनने में कोई त्रुटि हुई है। प्रभु ने आपको और हमें सबकी सुरक्षा का निर्देश दिया है और अचेत या मृतकों पर आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंसक पशु भी मृत या अचेत प्राणी पर आक्रमण नहीं किया करते। हम भगवान की सेना के योद्धा हैं। निहत्थे, अचेत एवं निर्बलों पर हम आक्रमण नहीं करते। उचित है, उचित है। आप सब आक्रमण नहीं करेंगे तो मैं आक्रमण करूंगा। मेरी रक्षा का वचन देने के कारण महादेव मुझे रोक नहीं पाएंगे और वो मेरा कोई अहित नहीं करेंगे। नंदी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हनुमान के लौटने से पूर्व भी मैं इन्हें अग्नि में भस्म कर दूंगा। कुछ नहीं मिलेगा हनुमान को। पिछली बार बूटी बहुत ही कठिनाई से प्राप्त हुई थी। आशा है इस बार बूटी की प्राप्ति में द्रोणगिरी कोई सहायता कर दे। स्वयं ही मुझे संजीवनी बूटी प्रदान कर दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद द्रोणगिरी पर्वत। अब मुझे शीघ्र ही जाकर सबको स्वस्थ करना होगा। मुझे कुमार पुष्कल के प्राण लौटाने होंगे। जय श्री राम। Thank you.
आग्नेयास्त्र का संधान कर रहे हैं वीरमणि। कदाचित शत्रुता के भाव ने वीरमणि को यह भुला दिया कि जिन्हें भस्म करने वो जा रहे हैं उनकी रक्षा करने के लिए प्रभु महादेव खड़े। वीरमणि, हनुमान के अतिरिक्त मेरे प्रहार को संभालने की क्षमता तुम में तो क्या किसी में भी नहीं होगी। तुम मेरे भक्त हो इसलिए जीवित हो, अन्यथा तुम्हें इस दुस्साहस का दंड मिल गया होता। इस धृष्टता के दंड स्वरूप तुम तब तक खड़े नहीं हो पाओगे जब तक हनुमान लौट कर अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लेते। आपको शत शत नमन भोले बाबा। हनुमान, आभार प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, अब युद्ध करो, वरदान पूर्ण हो गया है। किंतु भोले बाबा। हनुमान, हर हर महादेव। क्षमा प्रभु, आप सर्वशक्तिमान भगवान हैं। मैं भले ही आपका अंश हूं किंतु हूं तो मैं वानर ही। अब आपसे और युद्ध करने की ना तो मुझमें क्षमता है और ना ही मैं इस युद्ध से इस सृष्टि को पुनः प्रताड़ित होते देखना चाहता हूं। योद्धा हो तुम, कायर एवं निर्बलों की भांति बातें मत करो। ये तुम्हें भी ज्ञात है कि युद्ध के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। ये ठीक नहीं हो रहा है हनुमान जी के साथ। मुझे ज्ञात है भोले बाबा, युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है, किंतु आप तो भगवान हैं। अपने भक्त को दिए वचन के लिए आप अपने इष्ट के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, किंतु मैं तो एक वानर हूं, मनुष्य की भांति समस्त सुख दुख एवं भावनाओं से प्रभावित होता हूं। मैं अपने गुरुदेव, अपने पिता और अपने इष्ट के विरुद्ध और अधिक खड़ा नहीं रह सकता। युद्ध में भावनाओं का स्थान नहीं होता। गदा उठाओ और युद्ध करो। पहले भी आपके विरुद्ध मैंने शस्त्र उठाकर बहुत बड़ी भूल की थी, अब भले ही मेरे प्राण चले जाएं, किंतु मैं अब आपके विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यदि तुम स्वयं ही मृत्यु का वरण करना चाहते हो तो अवश्य ऐसा ही होगा।
जी को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। यदि इसके लिए मुझे शिव जी पर ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग करना पड़े तो करूंगा मैं। जो व्यक्ति शक्तिशाली होने के साथ विनम्र होता है, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।